नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जिनपिंग ने शायद ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि वह जो क्रिया कर रहे हैं, भारत की तरफ से उसकी इतनी कड़ी प्रतिक्रिया मिलेगी। गलवन घाटी में चीन ने गुमान में आकर कदम तो रख दिए, मगर वह चीन के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। चीन अपनी सैन्य ताकत से भारत को डराने की कोशिश कर रहा है, मगर भारत उसके जवाब में कई बड़ी रणनीति से चीन की नींद उड़ा रहा है। हालत यह है कि चीन को सूझ नहीं रहा है कि अब वह इस मुसीबत से कैसे पीछा छुड़ाए। भारत चीन सैनिकों के बीच गलवान घाटी में टकराव के बाद मोदी ने जिनपिंग को रणनीतिक मोर्चे पर ही नानी याद नहीं दिलाई है, बल्कि चीन से होने वाले आयात पर भी लगातार अंकुश लगा रहे हैं। चीन के कई और उत्पादों के आयात पर लगाम लगाने की तैयारी चल रही है। इनमें एयर कंडीशनर, खिलौने, कपड़े वगैरह शामिल हैं। संभव है कि इस बैन से चीन के कारोबारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। मोदी सरकार ऐसे कई उत्पादों के आयात के लिए लाइसेंस कंपलसरी कर सकती है। सरकार चाहती है कि इन प्रोडक्ट्स का देश में उत्पादन बढ़ाया जाए और इनकी मैन्युफैक्चरिंग को यहीं पर बढ़ावा दिया जाए। मोदी सरकार इससे पहले कलर टीवी टायर, सोलर पैनल जैसे कई चाइनीज प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर लगाम लगाने के लिए कदम उठा चुकी है। फिलहाल ऐसे 20 सेक्टर के उत्पादों की सूची तैयार की जा रही है, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर चीन से आयात को बंद किया जा सके और उनमें निवेश को आकर्षित भी किया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें फर्नीचर, लेदर फुटवेयर, एग्रोकेमिकल, एयर कंडीशनर, सीसीटीवी, स्पोर्ट्स गुड, खिलौने, रेडी टू फूड, स्टील, एल्यूमिनियम, टेक्सटाइल्स, बायोफ्यूल आदि शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही सरकार आयात करके अधिकतम सीमा को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। एक्सपर्ट के मुताबिक कई चीजों पर आयात कर बढ़ाने का भी बहुत असर नहीं होने वाला है, इसलिए मोदी सरकार ने लाइसेंस सिस्टम अपनाने का फैसला किया है। फिलहाल मुक्त व्यापार समझौते का दुरुपयोग कर सस्ते माल से भारतीय बाजार को पाट दिया जाता है। इसे रोकने के लिए लाइसेंस की व्यवस्था कारगर हो सकती है। हालांकि व्यापारियों की तरफ से टायर और कलर टीवी के आयात के लिए एडहॉक लाइसेंस जारी करने की मांग की जा रही है, क्योंकि व्यापारियों के करोड़ों रुपए चीन में फंसे हुए हैं। इससे पहले मोदी सरकार चीन पर डिजिटल स्ट्राइक कर चुकी है, जिसमें 100 से ज्यादा चाइनीज एप्स को भारत से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। भारत द्वारा चीनी आयात पर जिस तरह से नकेल कसी जा रही है, उससे चीन को करीब $12 अरब की चोट पड़नी तय है। पिछले 3 महीनों के दौरान चीन से आयातित प्रोडक्ट में 38% की कमी आई है और करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का झटका चीन को लग चुका है। चौंकाने वाली बात यह है कि जुलाई महीने से चीन को दिवाली के ऑर्डर जाने लगते थे, मगर इस बार की चीनी दिवाली बदरंग हो रही है। रक्षाबंधन पर भी चीनी राखियों के लिए कोई ऑर्डर जारी नहीं हुए हैं, जिससे चीनी कारोबारियों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। पर हैरानी की बात यह है कि एक विशेष व्यापारी वर्ग भारत के इस अभियान को पलीता लगाने की कोशिश में है। यह व्यापारी वर्ग पहले भी चीन का हितैषी बनकर सामने आता रहा है। इसमें ज्यादातर टायर कारोबारी और खिलौनों के आयातक हैं। ये विशेष व्यापारी एडहॉक लाइसेंस के लिए मोदी सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं, यानी ये व्यापारी कुछ वक्त के लिए सरकार से व्यापार की अनुमति चाहते हैं। इनका दावा है कि चीन में इन लोगों का करोड़ों रुपया फंसा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब गलवान घाटी में भारत चीन गुत्थम गुत्था थे, ये चीन से गलबैया कर रहे थे। एक बड़ी बिजनेस कम्युनिटी चीनी सामानों के बहिष्कार का ऐलान कर चुकी थी, मगर यह चीनी पिट्ठू अपनी खरीदारी बदस्तूर जारी रखे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि यह सब हथकंडे मोदी सरकार को नीचा दिखाने के लिए किए गए, मगर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें कोई एडहॉक लाइसेंस नहीं मिलेगा। सरकार का फैसला तत्काल प्रभाव से लागू माना जाए। अब इन चीनी चमचों के तबेलों में खलबली मच गई है। देश को चोट पहुंचाने की कोशिश में इनको बड़ी चपत लग चुकी है। खास बात यह है कि इन विशेष व्यापारियों में से कुछ व्यापारी चीन से सामान तो मंगाते थे, मगर उसका पेमेंट हवाला के जरिए देश में ही भारत विरोधियों को किया जाता था। इसमें कोलकाता स्थित चीनी वाणिज्य दूतावास और मुंबई के चीनी वाणिज्य दूतावास की भूमिका संदिग्ध रही है, यानी देश के भीतर ही चीन एक ऐसा नेक्सस खड़ा कर रहा था जिसके गद्दार नागरिक देश की जड़ों को ही खोखला कर रहे थे। हवाला के जरिए पैसे की बंदरबांट जम्मू कश्मीर से लेकर नक्सली संगठनों तक हुई है। संभवतः मोदी सरकार को इस नेक्सस को तोड़ने और चीन के मंसूबे नाकाम करने में काफी वक्त लगा है। सरकार चीनी वस्तुओं के आयात पर लगाम लगाकर कई लक्ष्यों पर निशाना साध रही है। भारत में चीनी आयातित वस्तुओं के बंद होने से भारत इनके आयात के लिए या तो दूसरे विकल्प तलाशेगा, अन्यथा इनका उत्पादन देश में ही खुद करना होगा। इससे भारत में उद्योगीकरण को बढ़ावा और रोजगार सृजन होना संभव है। साथ ही चीन की कठपुतली बनी देश विरोधी ताकतों को गहरी चोट पड़ेगी। पर मामला केवल यहां तक सीमित नहीं है। भारत को आंखें दिखा रहे चीन के घुटने तोड़ने के लिए उसकी इकोनॉमी पर मोदी मार कहीं ज्यादा घातक होने वाली है।
बड़ी बात यह है कि पहले सरकार संकेतों में स्वदेशीकरण की बात कहती थी, तब उसे डर रहता था कि कहीं विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन ना हो जाए। यह पहला अवसर है जब सरकार ने खुद चीन पर एक्शन किया है। इससे देश के जनता के हौसले भी मजबूत हुए हैं और चाइना बॉयकॉट मिशन तेजी पकड़ चुका है। सरकार का लक्ष्य 2020-21 तक चीन के साथ अपना व्यापार घाटा 70% तक कम करना है। साल 2022 तक आयात निर्यात घाटा बराबर करने का बड़ा टारगेट है। नामुमकिन से लगने वाले इस लक्ष्य को पाने के लिए सरकार ने ठोस कदम उठाकर इसकी कामयाबी के संकेत भी दे दिए हैं। इस वक्त चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 57 अरब 86 करोड़ डॉलर के करीब पहुंच गया है, यानी भारत चीन को बेचता कम है जबकि खरीदता ज्यादा है। मोदी सरकार ने जो त्वरित फैसले लिए हैं, अब इससे इस खरीदारी में भारी गिरावट आने की संभावना है। इसमें बड़ा फैक्ट यही है कि अगर भारत चीन से आयातित कुछ प्रोडक्ट का निर्माण नहीं कर सका तो उस पर भी उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। भारत अन्य देशों से भी उनका आयात करने का विकल्प रखे हुए है, जबकि चीन के लिए यह बड़ा संकट साबित होने वाला है। चाइनीज टायर, कलर टीवी, सोलर पैनल का भारत सबसे बड़ा आयातक है। मोदी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से चीन की कई सोलर पैनल इंडस्ट्री में भारी निवेश हुआ है। यह सारी कवायद भारतीय बाजार को देखते हुए की गई थी। अब इस आयात के बंद होने से कई चीनी इंडस्ट्री बंद हो सकती है। एलईडी टीवी और टायर जैसी वस्तु का निर्यात बंद होने से चीन को बड़ा झटका लग सकता है। भारत में चाइनीज एलईडी टीवी की बड़ी मांग रही है। भारत के 70% बाजार पर चाइनीज कलर टीवी का कब्जा है। ऐसे में चीन को दिन में तारे नजर आने तय है। पर सवाल यह भी है कि मोदी सरकार द्वारा चीन को दी जा रही है चोट कहीं सांकेतिक बनकर ना रह जाए, क्योंकि अगर चीन के साथ रिश्ते सुधरे तो सरकार की नीति फिर से पुराने ढर्रे पर ना लौट आए। आज देश की जनता की सोच चीन के प्रति पूरी तरह बदल चुकी है। सरकार का दायित्व है कि इस सोच को बदस्तूर बनाकर रखा जाए। सरकार अगर चीनी वस्तुओं को बैन करने के बड़े फैसले ले रही है तो देश का एक बड़ा वर्ग भी उसके साथ खड़ा है। जो चीनी पिट्ठू देश में मौजूद है उनसे देश को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनको चीन और पाकिस्तान से मोदी सरकार की नीति को असफल करने की सुपारी मिलती है। सरकार द्वारा चीन पर लगाम लगाने से इनके घुटने भी कहीं ना कहीं कमजोर हो रहे हैं। ऐसे लोगों पर रहम की बजाय एक्शन का दायरा बढ़ाने की जरूरत है और यकीनन मोदी सरकार चीनी प्रोडक्ट की सूची बनाकर उन्हें बैन करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है, जो चीन के साथ इस विशेष वर्ग को भी बिलबिलाने को मजबूर कर देगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।